टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक नाइजीरियन जिसका नाम है सुंडे इजिको ओझोंगू 44 वर्षीय को दीवा से गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 250 ग्राम मोफेड्रिन पाउडर बरामद किया गया है जिसकी कीमत 25 लाख रुपये बताई जा रही है। मुंब्रा पुलिस के NDPS के PSI हर्षद काले को जानकारी मिली थी कि नवी मुंबई से एक नाइजीरियन मोफेड्रिन पाउडर लेकर दीवा आने वाला है, जिसके बाद हर्षद काले ने अपनी टीम धनंजय घोटके, उमेश राजपूत, भूषण खैरनार, रवि जाधव के साथ मिलकर दीवा डंपिंग ग्राउंड के पास फील्डिंग लगाई और इस नाइजीरियन को वहां से गिरफ्तार किया। और इस नाइजीरियन से पूछताछ जारी है और भी इस नाइजीरियन से खुलासे हो सकते हैं। आज मुंब्रा पुलिस स्टेशन में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहायक पुलिस आयुक्त वेंकट आंझले ने क्या कुछ इस मामले में जानकारी दी है। 29/11/2021 रात में 11 बजे एक MP अपनी MPDA की जो टीम है मुंब्रा पुलिस स्टेशन की, उसके भी इंचार्ज है सेवाड़े, उनके इंचार्ज है शिंदे काले, और उसने उसको मालूम मिला कि कोई तो भी MD लेके आ रहा है, तो दीवा के पास जो रोड पे उसको रुकाया मोटरसाइकिल पे रात के 11 बजे। उसके पास में 250 ग्राम MD मिला है, उसका मार्केट का कीमत है 25 लाख रुपए। उसका 3 तारीख तक PCR है और आगे की चौकसी, उसकी कौन साथी था, कहाँ से MD आ रहा था, किसको दे रहा था, इसकी अभी PCR में उसकी मालूम मिलेगी, ऐसी मालूम मिलेगी। कहाँ का रहने वाला है, नाम क्या है? ये नाइजीरियन है, इसका सुंडे बोल के सुंडे इजको ओजम, वो 44 ईयर, ये उसका पूरा नाम है। सर एड्रेस अभी खारगर में है। माल बेचने के लिए आया था क्या? हाँ, देने के लिए, डिलीवरी देने के लिए आया था। किसको दे रहा था वो तो अभी सेक्टर 34 खारगर नई मुंबई।